बारिश में तो विद्यानगर एकदम जन्नत दिखता है गाइस। देखो तो सही यार, कितनी सुंदर सड़कें हैं विद्यानगर की। मैं भविष्य में विद्यानगर को बहुत ही मिस करूंगा सही में। ये देखो सड़कें देखो आप यार, विद्यानगर जैसा कोई शहर नहीं है पूरे गुजरात में। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब एकदम मस्त मज़ेदार और आप ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं फ्लैट से, जो हमेशा हम करते ही है। और मैं अभी जा रहा हूँ नाश्ता करने क्योंकि मेरा 1:30 को लेक्चर है, मैंने कल बोला था। तो मैं नाश्ता करने आज जाऊँगा आप पटेल पे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से फटफट नाश्ता करके निकलता हूँ। यहाँ अभी तक चालू नहीं हो रही। हो गई, ठंडी हो गई लगता है, ऐसा ही लगता है ठंडी हो गई गाइस। और अभी जा रहे पटेल पे नाश्ता करने, लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज। और मैं जैसे यार प्रियंका बाहर खड़ी थी अकेली, चलो अभी जाते हैं। और उतनी देर में हमारे सर भी आ गए, तो भी सर वहाँ पे गाड़ी रखी उन्होंने। सर आ रहे हैं, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, बाकी और अपने दोस्त लोग तो आएंगे, तो वो लोग आएंगे ऊपर। 1:30 को आ जाएंगे, अभी 1:25 इतनी हो रही है। सो गाइस अभी बारिश हो रही है, तो मैंने और किलन ने सोचा कि हम लोग थोड़ा नज़ारा देखने आए, तो आपको भी नज़ारा दिखाते हैं। देखो नज़ारा गाइस, ये हमारे कॉलेज के पीछे का नज़ारा है। और बारिश में भाई कितनी मस्त दिखती है अपनी कॉलेज, बहुत मस्त कॉलेज नहीं दिखती, उसके आजू बाजू का एटमोसफियर दिखता है, एटमोसफियर को फील करते हैं। लाइव जियो खुल के। ये देखो कॉलेज भी वैसे तो अच्छी हॉस्पिटल टाइप है। हाँ अभी क्लास भी शायद शुरू हो गया है, 10 मिनट का ब्रेक था। मैंने किलन ने यहाँ पे बैठ के थोड़ी बातें की, मस्त वाइब है गाइस। और ये देखो वाओ, एक स्नैप तो बनता है ब्रो। चलो भाई हम चलते हैं। हाँ चल जाते हैं, स्नैप लेके जाते हैं खाली। भाई चाय मंगवा दिए, तो भी चाय पीने, हाँ चाय पीने वाला है। टन टन ले किलन, दो कपड़े बर्तन ले, अर्गोनॉमिक्स पढ़ रहे हम लोग, इसलिए ये लोग थोड़ी अभी अर्गोनॉमिक्स की डिटेल में बात कर रहे हैं कि पोस्चर कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं। लेकिन अभी हम लोग बालकनी का नज़ारा लेते हुए चाय पियेंगे, बाकी सबको वहाँ पे बैठने दो, हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। भाई अपनी कॉलेज तो ख़त्म हो गई और अभी हम सब लोग निकल भी रहे हैं। चल भाई जिम में मिलते हैं, जिम में आ जाओ ठीक है। बाय बाय गाइस, तो चलिए अपने आदिजा निकलते हैं। और हमारे सर देखो वहाँ पे वो लाइट हो रही है ना, वो गाड़ी हमारे सर की है, इनोवा क्रिस्टा हाइब्रिड। करण सर मैंने बोला था, उनका ही लेक्चर था आज भी। और हम लोग निकल रहे अभी, ये सामने दिख रहे वो अपनी पुरानी कॉलेज है गाइस, एनवी। गाइस देखो कितना मस्त माहौल हो रखा है, कैसा दिख रहा है पूरा विद्यानगर। बारिश में तो विद्यानगर एकदम जन्नत दिखता है गाइस। और ये भाई इसमें भी रनिंग कर रहे हैं, प्राउड ऑफ यू ब्रो, मेहनत करते रहो। गाइस देखो तो सही यार, कितनी सुंदर सड़कें हैं विद्यानगर की। मैं भविष्य में विद्यानगर को बहुत ही मिस करूंगा सही में। ये देखो सड़कें देखो आप यार, विद्यानगर जैसा कोई शहर नहीं है पूरे गुजरात में। हर जगह कॉलेज का इस 50 से ज़्यादा कॉलेज है, मेरा विद्यानगर बहुत ही सुंदर है, बहुत सारी कॉलेज है, 50 से ज़्यादा मतलब एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस हैं विद्यानगर में। और माहौल भी यहाँ पर बहुत ही बारिश हो में तो ऐसा दिखता है ना जैसे कि कहीं स्वर्ग में आ गए, आप खुद देख सकते हो। ये सब हॉस्टल्स भी देखो, हॉस्टल में रहने का भी मज़ा आता है। हम लोग भाई का हॉस्टल में रहते थे, हमको बहुत ही मज़ा आता था। रोड्स फिर खाने का और सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, ऐसे अच्छे अच्छे रोड है, खाने का पीने का सब मिल जाता है गाइस यहाँ पे। बड़ी बड़ी होटल्स भी है, रहने का भी अगर अच्छे सस्ते भाव में हॉस्टल्स वगैरह भी है। तो गाइस मैं जैसे ऊपर गया उतनी देर में बारिश शुरू हो गई और अपनी हाथ अभी गिली हो गई, तो बंद रखनी पड़ेगी कि मेरी फिक्स लोकेशन है, पर यहाँ पे हाथ बजा गिली होती जा रही है, पता नहीं बारिश गिरे तो गिली होगी ना भाई।
चलिए अभी जाता है जिम में। जिम में तो अपने इंतजार कर रहा होगा वो संभल के संभल के। स्लीपी रहता है ना थोड़ा, तो गिरने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं फ़ोन रख देता हूँ अभी और गाड़ी चलाने पे ध्यान देता हूँ, जिम जाके ब्लॉग बनाता है। सो गाइस फाइनल में पहुँच चुका हूँ अभी जिम में और अभी ऊपर जा रहा हूँ भाई। लिफ्ट ये थोड़ी हमारी बिगड़ी हुई है, दरवाज़ा इसका बहुत ही जल्द बंद हो जाता है। देखो इतने जल्द में बंद ही हो गया, मैंने कुछ समझा भी नहीं। फिर भी थर्ड फ्लोर इसको। तो गाइस आज हमारा लेग डे है, साइकिलिंग कर ली और उसके बाद अभी स्क्वाट लगा रहे हैं। ये शायद वहाँ पे पैर रख के यूँ करने आ गया है, पेट की एक्सरसाइज का शायद। अभी स्क्वाट लगा रहे हैं, चलो को तो दर्द हो रहा है, वो बोल रहा है भाई दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है भाई। होगा दर्द है तो सब है। और अभी अपनी लास्ट एक्सरसाइज ट्रेडमिल भाई, 10 मिनट करना है या 15 मिनट? 15 मिनट 10 मिनट रखते हैं, लेग डे है ना इसलिए, लेग डे है इसलिए 10 मिनट करते हैं भाई। सो भाई जिम खत्म हुआ अपना और अभी हम लोग जा रहे हैं भाई। मज़ा आया लेग मारने में? तो अभी कल पता चला कल दर्द होगा, वो तो है ही भाई। मेरे को भी पहली बार मारा था तो बहुत दर्द हुआ था 2-3 दिन तक। सो गाइस अभी अपने हाथ निकाल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सीट गीली है तो पहले सीट पोछनी पड़ेगी। दाल बाटी फिर से बोल, दाल बाटी खाने जा रहे हैं पहले से। सो गाइस निकाल दे भाई, हैव करके निकल के लिए पहले ही कपड़ा निकालना पड़ेगा। गाइस अभी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, खाने में बारिश हो रही थी, हमने सोचा थोड़ा लेट हो जाए, थोड़ा लेट जाता है खाने में बारिश रुके तब। तो अभी फाइनली बारिश रुकी है और हम लोग जा रहे हैं दाल बाटी खाने, क्योंकि आज हमारा प्लान है मिलन भाई की दाल बाटी। तो चलिए गाइस कार साफ कर देंगे आज। सो गाइस मिलन भाई की दाल बाटी खाना है। मिलन भाई जय माता जी। आपका वीडियो बनाया मैं आपको भेजूंगा फिर। भेजो मैं इसकी तरह देख रहा हूं। पक्का पक्का। सो गाइस दाल बाटी आ चुकी है, अभी खा रहे हैं हम लोग। दाल पाड़ो है ना? दाड़ So guys, मिलन भाई की दाल बाटी खा ली और अभी अपने हाबूजा लेके जा रहे हैं हम लोग। भाई कहाँ पे जाना है? रूम पे जाना है। रूम पे जाना है? क्या हुआ, क्या बोल रहा था तू? पेटी पड़ी है। किसकी? आया के वो बिगड़ी जाना है एटीएम। अरे हाँ एटीएम जाना है, भूल गए। एटीएम जाना है ना, मैं लाइव एटीएम जाना है क्योंकि हमको कल रेंट देना है, तो रेंट देने हमको आनंद जाना पड़ेगा जो आंटी है उनके घर पे। भाई जा जा पहले तू जा। देख भाई खतरों के खिलाड़ी अभी स्टार्ट करे हैं। खतरों के खिलाड़ी ए, इधर इधर देखना, इधर मैं जा रहा हूँ। 1 2 3 4 बस भाई इतना क्या कर रहा है? गाइस यहाँ पे तो बहुत ही रिस्क है, हम लोग एक बड़ी सी नदी के अंदर से जा रहे हैं और ये देखो हमारी मंजिल आ गई एसी वाली ठंडी भाई। ये बहुत बड़ी नदी है, नदी है और हम नदी पार करके एसी में आए हैं और यहाँ पे इतनी ठंड है ना कि यहाँ पे बैठने का मन कर रहा है। नदी के किनारे पे एटीएम की ऑफिस बनी हुई है। हाँ भाई ये डिपॉजिट ही होगा क्या? पैसे नहीं निकल पाएंगे इसमें से? निकालते हैं ठीक है चलो। गाइस पहले पैसे निकाल लेते हैं फिर हम खाली करो एटीएम पिन, फिर पिन देख लोगे और फिर
खाली करो, खाली चोरी करो। हो सकती है इसलिए कोई नहीं गाइस, चलो तो गाइस वापस अपने मिशन पे जा रहे हैं। और ये लोग पीओपी नहीं पीडीपी लिखा है, चल पूप लिखा है पूप पीडीएफ। गाइस अभी मैं और जिगर चाय पीने आए हैं रात को 1:15 बजे, क्योंकि हमें इच्छा हो गई तो हम लोग चाय पैक करवा ली और हम लोग पैक करवा के हाईवे पे बैठ के पी रहे हैं। देखो भाई अंदर तो चीटी है क्या? नहीं, और ये अभी चाय निकाल रहा है और अभी हम लोग चाय पियेंगे और फिर जाएंगे फ्लैट पे। तो आज के वीडियो में कैसे इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय श्री राम, जय हिंद। अभी तक वीडियो को लाइक ना करे तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट करना मत भूलना। पीस आउट।